हाँ तो फ्रेंड्स, आपके समक्ष फर्स्ट क्वेश्चन लगे हैं, जिसका आंसर दीजिए। क्या है क्वेश्चन? आईएमएफ कब स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है 27 दिसंबर 1945, जनवरी 30 1947, जनवरी 1 1946, सितंबर 24 1947। आपको बताना है जो आपका आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इकोनॉमिक्स का है क्वेश्चन, है अर्थशास्त्र का, कई बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम्स में। तो दोस्तों आपको बता दें, इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर हेडक्वार्टर वगैरह भी याद रखने हैं इसका कहाँ पे है, इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों को पहले ही बोल दूँ, ताकि आगे चल के डिस्टर्बेंस ना हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो को, और आप लोग टाइम से आ जाया करें। डेली आपको यहाँ पर अब रितु सर की क्लास भी पर डे मिलेगी 8:30 PM पर, तो आपको वो अटेंड करनी है। इससे हो जाएगा आपका क्या, इंग्लिश कंप्लीट। फिर चाहे आपका CISF हो, CHSL हो, या फिर आपका MPSI, या फिर CRPF, क्योंकि सभी में इंग्लिश पूछी जानी है, तो आपकी सर कंप्लीट करा देंगे, रितु पुष्प सर। और यहाँ पर मैं जीके क्लास आपका क्विज के रूप में ला रहा हूँ, जिससे आपका जीके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे, तो हम हिंदी की क्लास भी लेकर आने वाले हैं, हिंदी, आपका मैथ्स और रीजनिंग, बट आपके सपोर्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमने शायद इसको नहीं किया, क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? 27, 28, 53, या फिर आपका 17। आपको बताना है वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कितने, 28। आपको पता होगा यूरोपीय संघ, इसमें आपके 28 सदस्य हैं। वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चल देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया था, कब किया गया था? आपका 1949 में, 1966 में, 1972 में, या फिर आपका 1990 में। बताइए फ्रेंड्स, आपका जो रुपये का अवमूल्यन है वो कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था? 1949, 1966, 1972 एंड 1990। तो दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर क्या, फर्स्ट, आपका 1949। ओके, याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना किस सन में की गई थी? 1931, 1934, 1938, 1942। आपको बताना है राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना किस सन में की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आपका 1938 में। फ्रेंड्स आपके यहाँ पर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जो आपके आपके एग्जाम में अभी तक रिपीट हुए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंकिंग कार्य किनके द्वारा किया जाता है या जाते हैं? आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड सही है, सेकंड सही है, आपका फर्स्ट सही है, या फिर आपका सेकंड और थर्ड सही है। फ्रेंड्स जल्दी से इसका कमेंट करके राइट आंसर दीजिए, आखिरकार क्या होने वाला है, कि आपके किस किस के द्वारा किए जाते हैं, आपके भारत में केंद्रीय बैंकिंग कार्य किन के द्वारा किए जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जान गए होंगे कि आपके यहाँ पर आंसर होने वाला है क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड बी। फ्रेंड्स आपकी आपको इसकी स्थापना भी याद रखना है, 35 है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? आपको बताना है मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ आपका प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया है? 1 अप्रैल 1957 से, 1 अप्रैल 1965 से, 1 जून 1964 से, 2 अक्टूबर 1961 से। फ्रेंड्स क्वेश्चन का लेवल बेहद अच्छा है, आपके अभी तक पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर, यदि आपसे बन रहा है तब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 जून 1964 को आपकी मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा पैसा बन गया था, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपके साइंस से हैं जो कि आपको पता होगा, आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके जीके में। क्वेश्चन क्या है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। आपको बताना है एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। जी हाँ दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है, आपको इन चीज़ों के फुल फॉर्म भी याद रखना है क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है और पूछ लिए जाते हैं। आपसे डीएनए का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, आपसे आरएनए का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इन सभी के फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। पता है कि नहीं आरएनए का क्या है? जी दोस्तों, इन सभी के फुल फॉर्म याद रखना। देखते हैं क्या है, ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वसन श्रृंखला और आपका जल अपघटन। तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों को बता दें यहाँ पर क्रेब्स चक्र आपका राइट आंसर होने वाला है, क्रेब्स चक्र। ओके, और दोस्तों रही बात आपके डीएनए और आरएनए की, तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, प्रयास लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं या फिर माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, आपका विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती। और दोस्तों यदि आप डिमांड करेंगे तो मैं साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जहाँ से आते हैं, बट आप लोगों की डिमांड के ऊपर हिसाब है ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, थर्ड, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा माइक्रोबैक्टीरिया या फिर आपने टोम्बैकोमोजिक वायरस सुना होगा, आपने साइनोबैक्टीरिया सुना होगा, तो इन सभी आरएनए की प्रधानता होती है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी से होता है, आपको बताना है क्या होता है, अरुचि, अरक्तता या फिर बहुलोहिता। यहाँ पे दोस्तों आप अच्छे से पढ़ लेना, बहु लोहित ताणु रक्तता या फिर आपका नेक्स्ट आता है क्या, श्वेताणु न्यूनता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बर्ड ही आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे, इसलिए इन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है जो बार बार रिपीट हो जाते हैं और आपसे आते हुए भी आप क्वेश्चन को छोड़कर चले आते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों को बता दें इसका राइट आंसर होने वाला है आपका अरक्तता, मतलब खून की कमी। जी हाँ दोस्तों, खून की कमी, इसको एनीमिया भी बोलते हैं, लेडीसों में होती है अधिकतर। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आता है महिलाओं में खून की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो दोस्तों उसका नाम है एनीमिया। ओके, अरक्तता खून की कमी। अब फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, आपको बताना है जो हमारी आरबीसी हैं उनका निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में, गुर्दे में, हृदय में या फिर आपके अस्थि मज्जा में। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों को बता दें इसका राइट आंसर होने वाला है क्या आपका, ऑप्शन नंबर फोर्थ, अस्थि मज्जा में। दोस्तों आपको यहाँ पर डिटेल्स में इसलिए नहीं बताता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी बता दूँ, यकृत में कभी नहीं बन सकती, गुर्दे में, गुर्दे का मतलब होता है किडनी, ये रक्त को छानने का वर्क करती है, यहाँ पर आपका ब्लड शुद्ध होता है अशुद्ध, यहाँ पर आपकी जो वेंस होती हैं सिराएं उनके द्वारा आता है और धमनी होती हैं उनके द्वारा पूरे शरीर में यहाँ पर संचार होता है रक्त का, ऑक्सीजन की पूर्ति हमको रक्त के द्वारा ही होती है ना। रक्त में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन होता है, इसका वर्क होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमारे 3 तत्व होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आपकी प्लेटलेट्स, रक्त में 3 प्रकार के रुधिराणु पाए जाते हैं। ओके, आया थोड़ा समझ में। और आपका जो अस्थि मज्जा है, अस्थि मज्जा क्या होता है, मान चलिए आपका जो पैर है, पैर के नीचे वाला हिस्सा, टीबिया फिबुला और आपकी फीमर जो हड्डी होती है जांघ की, इन दोनों के घुटना का जो जोड़ है, पटेला बोलते हैं जिसको, इन दोनों के बीच में जो हड्डियों के बीच में अस्थि मज्जा, यहाँ पर आपके रक्त का निर्माण होता है। ओके, जो ज्वाइंटेज होते हैं, हाथ का हुआ, पैर का हुआ, जो ज्वाइंट है वहीं पर आपके रक्त का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा उन्हीं से बोलते हैं। ओके चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स आपके समक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डी ए पी जी अब्दुल कलाम द्वारा रचित है, आपको बताना है उस बुक का नाम, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ने जो रची है, द
वाइट्स बुक ऑफ ब्यूटी, या फिर आपका सैमन समर्स टू लीव्स एंड ए वर्ल्ड, नेक्स्ट है आपका इग्नाइटेड माइंड्स। ये तो सबको पता होगी, इग्नाइटेड माइंड्स। आपको बताना है दोस्तों राइट आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों को बता दें, क्योंकि मेरे मुंह से निकल ही गया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका डी ही होने वाला है, इग्नाइटेड माइंड्स। ओके, APJ अब्दुल कलाम की फेमस बुक है। नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोगों से बोल दूँ, आप लोग प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करा करें, ताकि थोड़ा एक लगाव सो महसूस हो। आप लोग जो लाइव में कमेंट करते हैं, ये तो हाइड हो जाते हैं, ये बाद में दिखते भी नहीं हैं। यदि आप बाद में देखते हैं, वॉच करते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, यदि आपसे आ रहे हैं तो, है ना, थोड़ी थोड़ा हमको भी पता चले कि हाँ आपसे कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है क्या, छोटा भारत किस शहर को कहा जाता है। आपको बताना है उस शहर का नाम जिसको छोटा भारत बोलते हैं। आपका दिल्ली, मुंबई, बंगलोर या फिर भोपाल। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आखिरकार क्या होने वाला है। दोस्तों को बता दें, इसका राइट आंसर होने वाला है दिल्ली को छोटा भारत के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं हम अगला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली पहाड़ियों के नाम से किस जगह को जाना जाता है। अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, नीलगिरी पहाड़ियाँ या फिर आपका हिमालय पर्वत। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आखिरकार क्या होने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ से जाना जाता है ना। आपको किस जगह से जाना जाता है, नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से किस जगह को जाना जाता है, नीलगिरी पहाड़ियों को जाना जाता है। अब आपको पता होगा ये कहाँ पे हैं दोस्तों, आपके जो कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, इन तीनों के ज्वाइंट पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। आपके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में है, यहाँ पर दक्षिण भारत में। ओके चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है, खालसा पंथ के संस्थापक किसे माना जाता है। गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह एंड आपका गुरु तेग बहादुर। बताइए दोस्तों खालसा पंथ, आपको पता होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स को बता दें यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है आपका क्या, ऑप्शन नंबर 3, आपके गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ के संस्थापक। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप फ्रेंड्स आपके क्वेश्चंस कुछ करंट अफेयर्स से हैं। ज्योत्सना चिनप्पा ने हाल ही में किस खेल के एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीतकर रिकॉर्ड बना है। आपको बताना है आपका स्क्वाश, बैडमिंटन, टेनिस एंड नेक्स्ट आता है आपका गोल्फ। तो बताइए दोस्तों ज्योत्सना चिनप्पा का किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वाश। ओके चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स आपके समक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक में हाल ही में शामिल जहाज बीरा का निर्माण किया है। रिलायंस डिफेंस ने, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, आपका एल एंड टी ने, नेक्स्ट आता है आपका फ्रेंड्स टाटा ऑटोमोबाइल्स ने। तो बताइए फ्रेंड्स इसका निर्माण किसने किया है, भारतीय तट रक्षक में हाल ही में आपके जहाज बीरा का निर्माण। दोस्तों को बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, L&T ने। ओके ऑप्शन नंबर 3। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है क्या, G77 की अध्यक्षता निम्न में से किस देश को हाल ही में दिया गया है। आपको बताना है जो आपका G77 है, इसकी अध्यक्षता किस देश को दी गई है। अफगानिस्तान, मिस्र, अल्जीरिया या फिर आपका नेक्स्ट आता है फिलिस्तीन। तो बताइए दोस्तों वो कौन सा कंट्री है। दोस्तों को बता दें यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर लास्ट क्या, फिलिस्तीन। ओके चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स आपके समक्ष नेक्स्ट है क्या, क्रिकेट टीम इंडिया का नया प्रायोजक कौन बन गया है। आपको बताना है इंडिया का नया प्रायोजक क्रिकेट टीम का, विवो, शाओमी, सोनी या फिर आपका बायजूस। जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर। दोस्तों को बता दें इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 4, बायजूस। ओके चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स आपके समक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। आपको बताना है जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है, लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रगति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके या उसके आदेशों का सम्मान करना। तो
तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर आखिरकार क्या होने वाला है। दोस्तों को बता दें यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है आपका क्या दोस्तों, आपका ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों डी, सॉरी डी बोल रहा हूँ, ए है लोक चुनाव में मतदान करना। हाँ ना फ्रेंड्स, लोक चुनाव में मतदान करना आपका मूल कर्तव्य नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स नेक्स्ट है संविधान का 98वां संशोधन अधिनियम किससे संबंध है। आपको पता होगा संशोधन हुए, आर्टिकल हुए, इनसे एक क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली डन रहता है आपके एग्जाम में। कौन सा है, सेवा कर के विनियोजक तथा उगाही के लिए केंद्र को अधिकार देना, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन, जनगणना 2001 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन, और आपके राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन। तो बताइए फ्रेंड्स आखिरकार इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों को बता दें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। ओके चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। आपके ऑप्शन से महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपको पता होगा कहाँ पर विधान परिषद नहीं है। तो दोस्तों को बता दें इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा एमपी, मध्य प्रदेश, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। चलिए देखते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के जो कि बेहद कंफ्यूज करते हैं और रिपीट हो जाते हैं। डैश का पूर्ण रूप क्या है, डाटा इन्हांसिंग सिस्टम, आपका डी कोडर इन्हांसिंग सिस्टम, डाटा इनक्रप्शन स्टैंडर्ड एंड नेक्स्ट आता है इनमें से कोई नहीं, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। दोस्तों को बता दें यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डैश का फुल फॉर्म है। ओके डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड याद रखना, HTML हुआ, रैम रोम हुए, CPU हुआ, ये मोटे मोटे तौर पर आपके एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कूट विद्या क्या है, आपको बताना है कंप्यूटर में है। कूट भाषा और गुण लिपि की रचना और विश्लेषण, तंत्र विद्या, गणित या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स को बता दें कूट विद्या का मतलब है कूट भाषा और गुण लिपि की रचना और विश्लेषण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सेस कंट्रोल कार्ड किस प्रकार की सुरक्षात्मक उपाय के अंतर्गत आता है, नेटवर्क सुरक्षा, पासवर्ड सुरक्षा, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है एक्सेस कंट्रोल कार्ड किस प्रकार की सुरक्षात्मक उपाय के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स को बता दें यहाँ पर राष्ट्र आंसर होगा आपका क्या, पासवर्ड सुरक्षा, एक्सेस कंट्रोल कार्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा काम कंप्यूटर वायरस नहीं करता, फैट फाइल को नष्ट करना, विशिष्ट प्रोग्राम या डाटा को मिटाना, डिस्क के फ्री स्पेस कम करना या फिर आपका सिस्टम को हैंग नहीं करना, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा काम कंप्यूटर वायरस नहीं करता। तो पहचानिए दोस्तों आखिरकार क्या नहीं कर सकता आपका कंप्यूटर का वायरस। फैंस को बता दें यहाँ पर डिस्क के फ्री स्पेस कम करना इस चीज़ को नहीं कर सकता, बाकी यहाँ पर जो मिटाना है नष्ट करना है ये तो उसकी प्रायोरिटी है ना। चलिए देखते हैं फैंस, तो आखिरकार हमारे ख़त्म हो गए क्वेश्चन, इतने ही डिस्कस करेंगे, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपके प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अधिक से अधिक चैनल पे लाइक करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके जैसे सभी फैंस की हेल्प हो और लगातार कंटिन्यू टेस्ट आप कंप्लीट करें। फैंस आपका एग्ज़ाम बिल्कुल आने ही वाले हैं। तो दोस्तों ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।